अंकल। हेलो, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सेटअप बहुत अच्छा है, आई लव्ड इट। थैंक यू। फहद कहाँ है? हमारी बहन कहाँ है? अब वो तैयार हो रही है, लड़कियाँ जरा ज्यादा टाइम लेती हैं। अब आप बताएं, आपका बेटा कहाँ है? भाई लड़के तो आजकल लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लेते हैं ना। By the way, you're also looking very nice. Thank you very much. अब आंटी आ गई। हेलो आंटी। वालेकुम सलाम। अब मैं अरीज को देखती हूँ, जल्दी आना। मैं अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही? तो दूसरों की तारीफें क्यों कर रहे थे? वो मैं यूं ही, वो कब शुरू करना है? मतलब बहुत देर हो गई ना। किसी को देर नहीं हो रही, सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट है तो क्या खाना नहीं खिलाएंगे लोगों को? सब हो जाएगा, मान आगे तुम मिले भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। तुमने देखा सेटअप कितना खूबसूरत है? जी बस थोड़ा टाइट लग रहा है। I'm sure खाना भी बहुत मजे का होगा। इस डिजाइनर को ना मैं जान से मार दूंगी, इतना बड़ा बना दिया है। मुझे तो सिर्फ फहद को देखना है। दुपट्टा इतना बड़ा, उफ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रही हो? कैसी लग रही? बिल्कुल ऐसे जैसे चांद जमीन पर उतर आया। ज्यादा फिल्मी लाइन थी तुम्हारे पास? I'm serious. You look pretty, mashallah. Thank you. ऐसे फहद ने मुझे पिक्चर व्हाट्सएप की थी, वो भी कुछ कम नहीं लग रहा। First of all, call him फहद भाई। Secondly, तुम्हें क्यों पिक्चर्स व्हाट्सएप कर रहा है? मुझे तो नहीं भेजी। तुमने तो सारी जिंदगी देखना है उसे। काश उसका कोई छोटा भाई भी होता। You're so cute. Darling, उसके छोटे भाई को तुमने क्या करना है? तुम मेरी शादी के बाद वापस लंदन जा रही हो। का आठवां अजूबा होता, लोग शादी करके लंदन जाते हैं और तुम शादी करके यहाँ रहना चाहते हो पाकिस्तान में। हमारी फैमिली लंदन में रहती है, पापा की फैमिली। अब प्लीज सेंटी मत हो जाना। I'm not being senti, I'm excited. I mean, मुश्रा मुझे पहली दफा वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहती थी। You know, अपना घर, माँ बाप, हस्बैंड। तुम और तुम्हारी लॉजिक कोई नहीं जीत सकता तुमसे। अच्छा, लेकिन फहद अच्छा। मैं ज्यादा अच्छी। तुमने उसकी स्माइल देखी? इतना क्यूट लगता है जब वो मुस्कुराता है। हाँ, जब वो मुस्कुराए तो। मुस्कुराता कब है? सही हुई शक्ल बना के बैठा रहता है। इसका हुक ठीक करो। तुम्हें पता है ना तुम बहुत ओवर हो रही हो। अगर तुम्हारा मूड नहीं है ना तो मैं अब भी तैयार हूँ। किस चीज के लिए? अगर तुम्हारा मूड नहीं है मंगनी करने का तो मैं कर लेती हूँ फहद से। Oh my God, you're so cheap. Cheap हूँ जो भी हूँ। सेल्फी ले, पापा को भेजनी। Give it to me. Okay. Smile. Bye. फहद आ गया। I should meet him first. Bye. Oh my God. पागल है लड़की। अब बाय। उषा, मेरा इयररिंग ले गई। मैंने पहनना था, मेरा इयररिंग ले गई। पागल, चले आप बाल बना दें। दिमाग खराब है इस लड़की का। बहुत ठीक, मुझे पता था वो बिल्कुल वर्कआउट कर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जी कैसा लगा? अरे वाह वाह, डैशिंग बाप का डैशिंग बेटा है। बेटा उसकी अचानक इस्लामाबाद से मीटिंग का आ गया। कितना कहा था मैंने उसे? अरे शबीब साहब, सर मिल के आता हूँ। कौन आ गया, कहाँ? अच्छा खैर, ये सही करो। इतना प्यारा लग रहा है, मेरा बेटा शहजादा है। अच्छा सुनो, वो कुत्सिया खाला आ गई है, जरा मिल लो उनसे। हैं, मुझे नहीं मिलना उससे। सिर्फ गाली खींचती है और तो कुछ नहीं करती ना। खिंचवा लेना गाल, क्या फर्क पड़ता है। चल शाबाश मत, हमेशा पूछती है तुम्हें, बहुत बुरी बात है। आ जाओ आ जाओ ना। और देखो सलमा खाला भी साथ है। अरे ये देखे, काफी अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा ही अच्छी लगती। Really? जी। I don't think so. Whatever. Selfie ले। चलो। से चलाना है मुझे। Excuse me. अच्छा ना। चलो। बंदा। अरे इसका। Oh my God. मैं उसे देख रहा था। मार देगा मुझे। सुन सुन। मैं भी चलता। वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। चलो। ग्लॉस ज्यादा नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। Are you sure? Yeah. All right. सुने,
अपनी स्टूपिड बहन एयरिंग ले गई है, प्लीज उसे कह वापस आए। ओके जल्दी से ना। ओके Oh God, इस चीज से कम करूं, टिश्यू ही नहीं है मेरे पास, टिश्यू प्लीज ला दो। आईलाइनर का भी प्रॉब्लम लग रहा है। आईलाइनर कैसे? यहां से। God, मैं मुंह धो के कैसे कर लूं? हवा बहुत तेज है। मैं मुंह धो रही हूँ। हाँ लिसन लिसन, मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो खुद को, देखो क्या तुम अभी लगता है इतना खुश रखने के। तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, ट्रस्ट मी, तुम हमेशा ऐसे रोमांटिक रहोगे। ये तो मुझे पता नहीं, तुम फिलहाल तो नहीं। आओ देखे। यस एंड यू लुक स्टनिंग। आर यू श्योर? यस। अच्छा सुनो, नंगी कर ले। फाहर, कहाँ रह गए थे तुम लोग? अम्मी वो इसका बुंदा। बुंदा मतलब सीरियसली बुंदा? ये पहनो और तुम सीधे खड़े रहो। क्या हो गया तुम्हें? ठीक करो। जी सीधी के साथ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ सारा इवेंट बिल्कुल ठीक से हो गया। श्योर श्योर, मुलाकात करते हैं। ओके ओके ना। सुनो ना, इतना सारा खाना रखा हुआ, उसका क्या करूं? जितना फ्रिज में आ सकता था मैंने रख दिया, बाकी नहीं आ रहा। मैं कह दूंगा ना सुबह चौकीदार से। वैसे आज का इवेंट बहुत अच्छा हो गया, मजा आया, और वो अरीज बहुत खूबसूरत लड़कियां। मुझे लग रहा था कि आज फहद मुझे इग्नोर कर रहा था। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैंने इतनी दफा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर दफा अरीज से ही बात किए जा रहा था, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बिजी था वो। कितना बिजी था? इतना बिजी था कि अपनी माँ को इग्नोर कर रहा था। आफीन रिलैक्स, आज दिन था उसका भाई। दिन की बात नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा था वो अरीज की वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ शहबाज, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अभी अगर उसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा उसका, बताओ। आफरीन रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा है,
हमें फहद से बात करनी चाहिए। आफीन प्लीज खुदा के लिए, तुम क्या बात करोगी फहद से? पहले तुम उसकी दो मंगनियां तोड़ चुकी हो और ये लड़की तुमने खुद अप्रूव की थी। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, और फहद हमें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन तो बेटा हमारा हमारे साथ ही रहेगा। और देखो, अगर इस बार मंगनी टूटी ना, ये लड़की फहद की दोस्त है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इस बार अगर कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। You understand that? और बहुत थक गया हूँ मैं, कमरे में सोने जा रहा हूँ। ओके, तुम काम से बैठ जाओ। तुम भी इग्नोर कर लो मुझे, दोनों बाप बेटे इग्नोर करते हैं। बोलो क्या बोल, बोलने लायक छोड़ा कहाँ है तुमने? क्यों, क्या हुआ? You were amazing today. Thanks. सब तुम्हारी तारीफें कर रहे थे, मैं तो कहीं गायब ही हो गया। I was the showstopper. मेरे दोस्त अब्बू सब तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। और तुम्हारी अम्मी? अम्मी अब हाँ, वो भी तारीफ ही कर रही थी। अच्छा, मुझे आके थोड़ी सी कंफ्यूज लगी। कंफ्यूज्ड? नहीं तो। अच्छा, बस मुझे फील हुआ। नहीं नहीं, शी वाज हैप्पी, बस थोड़ी मसरूफ थी, शायद इसलिए तुम्हें लगा हो। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो ना, मैंने तुम्हें अपनी बातें करने के लिए फोन किया। अच्छा बोलो, कौन सी बात है? हेलो हेलो, आप जाग रही? तुम भी तो जाग रहे हो। वो नींद नहीं आ रही थी। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, कोई दवा ला के दूं नींद की? नहीं नहीं, बस सो जाऊंगा थोड़ी देर में। कोई काम था आपको? काम नहीं, वो तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी तो मैंने सोचा कि देख लूं तुम्हें। चलो खैर, सुबह बात करते हैं। सो जाना जल्दी। Good night. Good night. Hello? Hello? La 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 la. उठो, क्या है इतनी सुबह सुबह, सोने दो। Wake up, I'm engaged. क्या हो गया है? Engagement के अगले दिन को इतनी सुबह सुबह उठता है? Excuse me, engagement मेरी है, तुम्हारी नहीं हुई। उठो। अच्छा, तुम तो दुल्हन बन के कॉर्नर में डमी की तरह बैठी हुई थी, सारा काम तो मैंने देखा। I'm sorry, कौन सा काम? इतना भारी जोड़ा पहन के मेहमानों को खाना खिलाने, ये सब आप कर रही थी, अब सेल्फीज ले रही थी। Whatever. मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। हटो यहाँ से। अच्छा, तुम्हें तस्वीरें इतनी पसंद है? Okay. सेल्फीज का इतना शौक है ना, मैं फेसबुक पे लगा रही हूँ। उषा क्या कह रही हो यार, नहीं करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हेलो हेलो माय डार्लिंग, हाउ वाज योर बिग डे? It was so good, Papa. I missed you so much. I? We missed you, Papa. अच्छा, ये भी साथ बैठी है? जी, hold on one second. जी, यही है, अभी उठी है 11 बजे. Good morning. First से क्या ना, he was looking handsome. जी, but आपका सब पूछ रहे थे. I understand, बेटा. पर यहाँ तुम तो जानती हो ना, कितना tough है सब कुछ. Yeah, but I really wished you were there. Don't worry. तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये लो, अपनी माँ से बात करो। मुझे तो बात करने देती, खुद कर लेना। अच्छा सुना, I want to talk to you. हाँ, मुझे क्यों उठा रही थी? Listen, फाकी अम्मी अजीब सी है। है ना? So glad you noticed. तुमने कैसे देखा? Typical सास है। तुम्हें पता है, शादी की अगली सुबह बहुत चांसेस है कि तुम किचन में मरी हुई मिलो। पड़ा तुम्हें था ना ट्रेडिशंस का, अब देख लो ट्रेडिशनल सास मिल रही है। इनफैक्ट दकियानूसी। पास कर रही हो? सच कह रही हूँ। तुम जानती हो यहाँ किस तरह की सास होती है, फिर भी तुमने जिद पकड़ी हुई थी कि यहीं शादी करनी है। अब आएगा मजा।
पर जब तुम डांस कर रही थी ना तो तुम्हारे साथ तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। ओह गॉड, मुझे डांस नहीं करना चाहिए था। क्या? तुम अकेले थोड़ी कर रही थी, सब कर रहे थे यार। हाँ बट सब दुल्हन नहीं थे, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। एहतियात करनी चाहिए थी? हेलो वेक अप, इट वाज योर बिग डे, तुम अपनी खुशी के दिन एंजॉय भी नहीं कर सकती। मुझे ना तुम्हारी शादी साजोल का सीरियल लग रही, और ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि किसी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ माँ होती है, सास नहीं बन सकती तुम्हारी माँ। तुम लोगों की सोच नहीं चेंज कर सकती। मुझे डरा रही हो? डरा नहीं रही, वार्न कर रही, समझा रही। देखो माँ सिर्फ अपनी असल माँ होती, सास माँ नहीं बन सकती। और अगर तुम सास को माँ बनाने की कोशिश करोगी ना, वो कोशिश ही रह जाएगी। मैं तो कहती हूँ सोच लो। क्या सोच लो? यही कि तुम उनके साथ रह भी सकती हो कि नहीं। यू नो, मैंने तुम्हें इसलिए उठाया था कि तुम मेरी परेशानी दूर करो, ये नहीं कि मुझे और परेशान करो। हेलो, मैं तुम्हारी परेशानी कम कर रही हूँ, मेरी बात मानो, ऑन एंड ऑफ बात के घर जाया करो। भाई मंगनी इसीलिए तो होती है कि बंदा देख सके शादी कर भी सकता है कि नहीं। और अगर तुम्हें शादी ना करनी है, सबसे पहले मुझे बताना, मुझे सास के ताने बर्दाश्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उठो जाओ फाद के घर। तुम इतना क्या सोचने लगी? कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तुमसे शादी करते हुए मैं सोच लेता इतना, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। शहबाज, और क्या यार, सीरियसली मुझे तो लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि फहद की शादी हो, जबकि तुम ये भी जानती हो कि अरीज मुझे पसंद है। तो इसका मतलब है कि अरीज के आने के बाद तुम सिर्फ उसी के गुण गाया करोगे ना? ओह गॉड, तुम एक मुश्किल हो। मैं एक माँ हूँ। तुम कंफ्यूज हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, और ये बात मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत अजीब लगता है। क्या अजीब लग रहा है हमारी अम्मी को? अब पाकिस्तान का मैच। अरे तो मां देखे मंगल, किसने कहा देखे? वाओ द इंटेलिजेंट। सुबह सुबह क्यों उठो? वो अरीज आ रही। क्यों? ऐसे ही। तो अच्छा है ना, अच्छी बात है। मुझे वैसे भी उसकी तारीफ करनी है, कल बहुत सारी तारीफ मिस हो गई। पर हमें प्लीज कुछ अच्छा बना लीजिएगा, क्योंकि अकेले रहकर नौकरों के हाथ का खाना खाकर गुजारा। नहीं, खाना पकाना इशू नहीं है, बात यह है कि बात कुछ नहीं है, बात तुम जाओ मेरी तैयारी करो। आई विल हैंडल एवरीथिंग प्रॉपर। आई लव यू डैड। आई लव यू। कसम से। अब देखो प्लीज कोई ऐसी फजूल बात मत करना। मैं फजूल बातें कब करती हूँ? ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि शादी से पहले वो अपने घर रहेगी, यहाँ नहीं आएगी। थोड़े दिन अपने घर सुकून से नहीं बैठ सकती? ये किसने डिसाइड किया? तुमने खुद ही अपने दिमाग में सोच के फैसला कर लिया? देखो ये टिपिकल सास बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सूट नहीं कर रहा। अरीज आएगी, ये उसका पूरा पूरा हक है। लोग क्या कहेंगे? लोग? तुम्हें लोगों की कब से फिक्र हो गया? शहबाज, हम इस दुनिया में रहते हैं, यह हमारे गिर्द लोग हैं, माशरा है, सोसाइटी है। मतलब तो मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी मेरी बहू के बारे में शादी से पहले बात कर कोई। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैच देखो। मुझे नहीं देखना ये स्टूपिड क्रिकेट मैच। अब मैं जाऊंगी, तुम्हारी बहू के लिए खाना पकाऊंगी, क्योंकि नौकरों के हाथ का खाना उनको पसंद नहीं है। अच्छा चाय तो पी लो। थैंक यू, फेंक दूंगी मैं ये चाय, नहीं पीनी मुझे। अब बनाऊं क्या उनके लिए? मैडम के लिए मैं खुद ही डिसाइड करूंगी, रहने दो। आई डोंट वांट टू हियर दैट। थैंक यू। यू आर वेलकम। फहद जी। अम्मी तैयार हो गए? हाँ जी, बस ऑलमोस्ट हो गया। अरीज कितनी देर में आ रही है? बस दो, डेढ़ दो बजे तक। अच्छा, ओ मैं कह रही थी वो तुम्हें सबा आंटी याद? जी, जिनके बेटे की एंगेजमेंट पर हम गए थे। टूट गई ना? टूट गई, लेकिन मुझे तो याद है, वो तो लव मैरिज थी। ये मंगनी के बाद ना कोई लव अब नहीं रहता,
तुम भी जरा एहतियात किया करो। अच्छा अम्मी, इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है, बस मैं ये कह रही थी कि अब मंगनी तो हो गई ना, अब जरा मिलना जुलना कम रखो। हाँ लेकिन मैं तो एंगेजमेंट से पहले भी उससे मिलता रहा हूँ, हमने 4 साल साथ पढ़ा है। वो अलग बात है, अब मंगनी हो गई है, अब डिफरेंट है ना। एक मिनट प्लीज बैठे। हाँ कहीं आप फिर से मेरी वजह से तो इनसिक्योर नहीं हो रही? नो अम्मी प्लीज, आपने खुद इजाजत दी थी तभी ये मंगनी हुई है, फिर से वही बात है। फहद वो डांस कर रहे थे। डांस तो सब कर रहे थे। वो दुल्हन थी, उसे तमीज से बैठना चाहिए था। सारे खानदान वाले हमसे पूछ रहे थे उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। क्या जवाब देती मैं कि जब छोटी सी थी तो उसके अम्मी का इंतकाल हो गया और अब्बू ने लंदन जाकर एक और शादी कर ली। लेकिन अम्मी निकाह पे तो आएंगे ना वो लोग? निकाह पे आएंगे? सीरियसली फहद, हमने अभी से लोगों को फेस करना शुरू कर दिया उसकी वजह से। तुम नहीं जानते हमारे खानदान में कैसे लोग हैं, चाहे वो तुम्हारे ददियाल वाले हो या ननियाल वाले, हमें जवाब देना पड़ता है लोगों को। दुपट्टा तक पहनने की उसे तमीज नहीं, और उसका बुंदा तुम ढूंढ रहे थे। अच्छा मैं सॉरी, एडजस्ट कर रही है ना वो? वो एडजस्ट करे? आई डोंट थिंक सो फहद, आई थिंक हम एडजस्ट कर रहे हैं उसके लिए। And this is not right. फोन करो उसको, बोलो जल्दी आए, देर हो रही है। मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ। I called him. I hope his mother doesn't come. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जिसमें किसी का कत्ल करने जा रही हूँ। इन लॉ से मिलने नहीं आई मैं। So nervous. सीधे को मेरे हाथ कांप रहे हैं। I'm talking to you. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Assalamualaikum. Sorry, hum log zara bahar the. You're looking very nice. The makeup ke baghair hi bahut achhi lag rahi ho. Uncle, ye na kal makeup mein thi na aaj. Tu na sara makeup lagati hai har waqt. Main to kehta hu yahi umar hai, ye shauk pure kar lene chahiye warna baad mein kisko fursat milti hai, hai na? Right. तो और कैसे आना हो? बस अचानक प्लान बन गया। अचानक? फहद ने तो मुझे 2 घंटे पहले बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, तो ये अचानक तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रोज आया करो, अब पता चल रहा है कि किसी के आने से घर में रौनक कैसे हो जाती है। क्या हो बेटा, खांसी हो रही है? वो फ्रिज है किचन में, वहां से पानी पी लो। बल्कि अब आप जाइए ना, पानी पिला दीजिए। हाँ मैं अरीज से जरा बातें करूंगी। फहद को अभी थोड़ा सा टाइम है, तैयार हो रहा है। तुम्हें तो पता है उसको काफी टाइम लगता है तैयार होने। जी उसका मैसेज आ रहा, बस आने वाला है। टेक्नोलॉजी ने देखो ना, कोई सीक्रेट सीक्रेट रहने ही नहीं दिया, सबको सब कुछ पता होता है। वो लोग ज्यादा अपडेटेड होते हैं जो दूर होते हैं, और पास रहने वालों को कुछ खबर नहीं होती। जी वो अब तो इतनी आदत हो गई है फोन्स वगैरह की कि जिस दिन फोन बंद हो लगता है सारी जिंदगी ब्लैंक हो गई है। थैंक गॉड। चलो हेलो। अच्छा तो इतना भी सफर नहीं हुआ तुमसे, अभी टाइम है लंच में। क्या है भूखी? वेरी फनी, खांसी हो रही थी, पानी पीने आई थी। एक सेकंड मिनट में कहा था मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देना, लेकिन आपने बॉदर ही नहीं किया। ये बातें हम वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। वेट वेट, एक पिक्चर है, एक नहीं बल्कि बहुत सारी है। अच्छा, दिखाओ। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, मैं लेके आती हूँ। नहीं बैठो बैठो, आ जाएंगे वो लोग आराम से। आंटी आपको कुछ बुरा लगा? मुझे क्या बुरा लगेगा? नहीं वो असल में मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मेरे पसंद होने ना पसंद होने से क्या फर्क पड़ता है? आई गेस ये ट्रेंड बन चुका है कि लड़कियां शादी से पहले अपने ससुराल में इस तरह घूमती फिरे, है ना? एक्चुअली मेरी सारी दोस्तों की अपने फियांसेस के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो शादी से पहले मिल लेते हैं,
मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। एक्चुअली बुराई आजकल इतनी बड़ी हो गई है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। अब देखो ना, मेरे और तुम्हारे अंकल की मंगनी 1.5 साल रही, मगर ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। मगर हाँ, जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन आई थिंक जज्बात तो वही है ना, वो तो नहीं चेंज हो सकता। अब मेरा घर ही देख लो, ये कर्टन्स देख लो, और ये सब सामान, टेबल पर रखी हुई चीजें, डेकोरेशन पीसेस, ये सब कुछ मैं ही खरीद के लाई हूँ, सब मैंने किया। जी फाद कह रहा था कि आपको बहुत शौक है इन चीजों का। अच्छा, बताया तुम्हें फहद ने? फिर तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि मेरा और फहद का रिलेशनशिप सिर्फ माँ बेटे का नहीं है, बल्कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। फहद मुझसे कुछ नहीं छुपाता, तो उसकी लाइफ में जगह बनाने के लिए ना बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। क्या मतलब जगह बनाने की क्या जरूरत है, घर में तो ऑलरेडी हर एक की अपनी अपनी जगह होती है ना, माँ की, बीवी की। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। मैं अपने बेटे को 26 साल से जानती हूँ, और जितनी अच्छी तरह से मैं अपने बेटे को जानती हूँ ना, कोई जान ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, माँ हूँ मैं उसकी। एक सेकंड, ये वाली दिखाओ ना। नाइस, तो मैं ही अच्छा लग रहा हूँ ना, तो अपनी तारीफ करूँ तो मैं तो। अंकल ये वाली पिक्चर देखो। हाँ बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा यार, इस पिक्चर में क्या मैं अलग लग रहा हूँ? ना nice, है ना, सो गुड। अंकल आपको लग रहा है कि मैं फहद को आपसे दूर कर रही हूँ? मैं कोई कंजर्वेटिव औरत नहीं हूँ, और ना शादी के बाद मैं कोई जालिम सास बन जाऊंगी, नॉट एट ऑल। बल्कि तुम्हारे लिए ना सिर्फ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह से बार बार इस घर में आना जाना, फहद से घंटों फोन पे बात करना, मैसेजेस करना, ये सब कुछ करने से ना तुम अपनी वैल्यू खो दोगी, और वो मैं नहीं चाहती। तो मेरा ख्याल ये है कि तुम शादी से पहले ना फहद से मिलना जुलना बंद कर दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज ये देखिए अंकल, इसमें अरीज भी तो है, रजिस्टर नहीं हुई। अरीज का ना अल्लाह ही हाफिज है। अरीज तुम्हारे घर में भी है, लिविंग रूम में बैठी है अकेली, तुम्हारी अम्मी के साथ समझा करो। चले चलो 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 चलो, प्लीज प्लीज। हेलो, क्या हाल है भाई? अम्मी ने आज तुम्हारे लिए लंच में कुछ स्पेशल बनाया। बहुत वक्त मिल गया था तुम्हें, तुमने तो अपने दिल की भड़ास निकाल ली होगी। मैंने उसको वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए था। मैं सिर्फ इसको ये समझाना चाह रही थी कि वो इस घर में ये सोच के नहीं आए कि उसे इस घर में भी उसके घर जैसा माहौल और आजादी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये तुम क्यों कह रही हो? तुम जानती हो उससे क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है, क्या मतलब? कुछ भी नहीं होगा। और प्लीज आप ना मुझसे हर बात में बहस मत किया करें। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। उसको हमारे घर का माहौल पता होना चाहिए पहले से। अब देखिए ना, हम दोनों यहाँ बैठे और हमारे साहबजादे अपनी होने वाली बीवी को अपना कमरा दिखा रहे, मतलब ये कोई बात होती? हम लोग नहीं भी होते ना तब भी ये शादी तो हो ही जाती, क्या जरूरत है हमारी? अरे मैं अकेले खाना निकालूं या आप चलेंगे मेरे साथ हेल्प कराने? मैं आ रहा हूँ, तुम चलो ना। मैं आ रहा हूँ। या आपको भी कमरा देखना है दोबारा से जाके लड़कियों के साथ? ये आ जाए फहद। खाना कहाँ फंस गया? आया भाई आया। Very nice. शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहता हूँ वो तो भाई कोई नहीं। It's lovely. मैंने तुमसे बात करनी है।
हाँ करो, ऐसी क्या बात? अकेले में You can talk in front of me. I don't mind. Get out. Get out. Oh, okay, I'm waiting outside. Oh, you're disgusting. Stop it. बात सुनो, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए कि नहीं. मैं confused हूँ. Confused? किस लिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले इस एंगेजमेंट से खुश हैं? हाँ, जाहिर है, अगर कोई एक भी नाखुश होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हमारी एंगेजमेंट होती. Are you sure? तुम अम्मी की बात कर रही हो? ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो मेरे मामले में बहुत सेंसिटिव हो जाती है. उनका एक बेटा है ना, इसलिए. उन्होंने मेरे साथ बहुत अजीब तरीके से बात की. अजीब तरीके से? कुछ कहा उन्होंने? कहा भी और नहीं भी, कई दफा कह देना जरूरी नहीं होता है. बस मुझे उनके अंदाज से लगा कि उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा. अम्मी शुरू से ऐसी, तो जो बात बुरी लगती है मुंह पर कह देती है. लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, that's I'm sure. नहीं, मैंने कब कहा कि वो बुरी है? बहुत अच्छी है, और शायद वो सही कह रही है. I don't think कि हमें शादी से पहले मिलना चाहिए. What? What? It's not like मैं तुम्हें engagement ring वापस दे रही हूँ. दिमाग तो ठीक, क्यों नहीं मिलेंगे हम? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बात खराब हो और मैं तुम्हें खो दूँ. कैसे खो दोगी तुम मुझे? But listen to me. मुझे रिश्ते रास नहीं आते. अब देखो ना, मैं यहाँ अकेली अपनी बहन के साथ रहती हूँ. पापा इतनी दूर लंदन में है, मुझे डर लगता है. मैंने तुमसे मोहब्बत बहुत डर के की, और उतने डर के और सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा बनूंगी. मैं नहीं चाहती कि हमारी स्टूपिड सी गलती की वजह से ये सब कुछ चला जाए. आई लव यू सो मच, बट आई एम सॉरी. शादी से पहले हम नहीं मिलेंगे. आई एम सॉरी. अरे तो इसमें जल्दी आने की क्या बात है? अम्मी, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या हुआ? आपने रीच को क्या कहा? अच्छा ठीक है, उसने कुछ कहा है तुमसे? कहा तो उसने कुछ नहीं, लेकिन बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी. कह रही थी कि हम शादी से पहले नहीं मिले. हर समझदार लड़की ऐसे ही बात करती है. तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्योंकि जब वो मेरी दोस्त थी तो तब तो आपको कोई एतराज नहीं था मिलने पे. क्योंकि तब वो तुम्हारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी मंगेतर है और होने वाली बीवी. For God's sake, अम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं और हमें इसी के हिसाब से चलना है. क्या सोसाइटी? तो आप तो अपने बेटे से ज्यादा सोसाइटी की फिक्र. अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो ये तुम्हारी मंगनी कभी नहीं होने देती. मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते. लेकिन बस इससे ज्यादा मुझे बात सुननी नहीं है, मेरा मूड ही नहीं है बात सुनने. मैंने तुम्हें कह दिया है, शादी से पहले वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना तुम घंटों से फोन पे बात करोगे. एंड ऑफ डिस्कशन, आउट राइट नाउ. हर बात पे चैन चैन, एक दफा की भी बात समझ ही नहीं आती.
फहद, फहद उठो, उठो यार, नाश्ता करो शामिश, उठो। मुझे नहीं करना। अच्छा अच्छा देखो तो कौन आया है। देखना मुझे। दादी देखो जया। दादी What a pleasant surprise! क्या लग रही हैं आप यार? ये सब सुबह जल्दी उठने के फायदे हैं। टाइम देखा है तुमने? बस दादी थकन हो रही। क्या बात है आपकी? बात जो भी हो, I'm so happy to see you. So है। चलो उठ जाओ, अब नाश्ते में मिलते हैं। जल्दी। चल जल्दी से। My baby, just keep on going up. I swear. मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इसकी शादी पर आई है ना। सीरियसली जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ फौरन। आई स्वेयर आई एम गोना हिट यू। आई स्वेयर। अभी इतना ऑयली खाना खा रहे हो तुम लोग, फट टिश्यू देना बेबी। मैंने आपके लिए तो अंडा ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है। तो तुमने ये क्यों इतना वेट पुट ऑन कर लिया आफरीन? मैं तुम्हें अगर नेट पे वेट बढ़ने के हैजर्ड्स दिखाऊं ना तो तुम हैरान रह जाओ। सीरियसली दादी, आपका जो फेसबुक का कवर फोटो है ना, इट्स अमेजिंग। तुम कवर फोटो को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रीज मेरी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है? आपने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? हाँ, और इनबॉक्स में मैसेज भी किया था साथ में। उसने मैसेज पढ़ तो लिया है क्योंकि उस पर सीन लिखा था, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। नहीं दादी, मुझे नहीं बताया इसने। अम्मी आपको भी खूब समझ में आई है फेसबुक। हाँ तो और क्या, उसमें क्या गड़बड़ है? ब्रेड दो, उसे बुलाओ रात को खाने का। रात को? हाँ क्यों नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो उसके पेपर्स वगैरह ना, तो इसलिए वो कुछ बिजी। भला उसने पढ़ लिख के क्या कर लेना है, घरदारी संभालनी है ना। बुलाओ उसे, उसे बताओ कि मैं आई हूँ, तो फिर तो मिलने आएगी ना। और अगर नहीं आएगी तो हम चले जाते हैं उससे मिलने। What's wrong with that? I swear. नहीं नहीं, वो तो आती जाती रहती है, कल रात को भी तो यहीं पे थी ना, है ना। बस तो फिर बुलाओ उसको, डिनर पे बुलाओ आज फौरन। और क्या, मिलूं तो मैं उससे? सुनो तुम मर जाओ ना प्लीज। वैसे तुमने जो मेरे साथ हरकत की है उसके बाद मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। मैंने मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मैं उसके घर गई, एंड देन ही डिडंट कॉल मी बैक। उसने एक दफा कॉल नहीं किया मुझे। मैंने तो तुमसे 10 बार ये भी कहा है कि फातिमा मुझसे शादी करा लो, ये बात तुम मानी नहीं, वो मान ली। माय गॉड प्लीज अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरी बात मान के पहले ही तुम्हें नुकसान हुआ है, आप फिर से मुझसे क्यों पूछ रही हो? बिकॉज तुमने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो तुम मुझे इस मुसीबत से निकालोगी। ऑलराइट, तो फहद तुम्हारे लिए मुसीबत है। प्लीज बुशरा। अच्छा ओके ओके फाइन, उसने तुम्हें कॉल नहीं की राइट? नहीं। तो अब अगर वो कॉल करेगा तो तुम नहीं उठाओगी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑलराइट? वो तुम्हें कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा है, तुम उसके उसका फोन उठाओगी? उसे पता होना चाहिए तुम एटीट्यूड वाली लड़की हो, तुम्हारा एक लेवल है। यू नो व्हाट, यू राइट, ही हैज बीन यूजिंग मी फॉर सो लॉन्ग। आई मीन मेरी उसके साथ शादी हो रही है, ही शुड बी आफ्टर माई लाइफ, यू नो। हर वक्त फोन करने चाहिए उसे, मेरे लिए फ्लावर्स लाने चाहिए, मैं बस इसी तरह डिसरिगार्ड होती रहती हूँ। ये मेरा कसूर है, मेरा कॉल आ रही। कौन है? इट्स हिम, फहद। मैंने तुम्हें समझाया ना, कोई जरूरत नहीं बात करने की, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। जरूरी काम हो सकता है। लिसन, आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू। आई वांट टू टॉक टू यू। आई वांट टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टेल यू। अरे तो मेरी बात है, तुम लोग यहां तो गॉट देम फोन, गिव मी गॉट देम फोन, गिव मी गॉट। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लूजर। हेलो हेलो, यार तुम अपनी बहन के मशवरे मानना बंद करोगी प्लीज? नहीं क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्योंकि तुम हर वक्त इसी से बात करती हो, वो तुम्हें स्टूपिड मशवरे देती है और तुम उसकी हर बात मानकर अपना नुकसान उठाती हो।
एक्चुअली नहीं, वो मुझे स्टूपिड मशवरे बिल्कुल भी नहीं देती है, वो मुझे बहुत अच्छे मशवरे देती है। खैर तुमने कैसे कॉल की? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता। Why are you acting so weird? I don't know, Fahad. Why am I acting so weird? खैर कुछ भी हो, मैं आज डिनर पे आना होगा। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो? Listen, Fahad, मैंने कह दिया ना, शादी से पहले हम लोग नहीं मिल रहे, तो बस हम नहीं मिल रहे। हरीश मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरी बात सुनो और कान खोल के सुन लो। हमारी शादी में 30 दिन रहते हैं, राइट? बस 30 दिन तुम इंतजार करो, तुमसे इंतजार नहीं होता। यार मेरी दादी आई हुई है। She wants to meet you. So, तुम्हारी अम्मी का क्या फिर? I don't know, लेकिन वो तुम्हें दादी के सामने कुछ नहीं कह सकती। खुश नो, दादी के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी, वो तो सब कुछ तब कहेंगी जब सब लोग इधर उधर हो जाएंगे, है ना? यार मैं हूँगा तुम्हारे साथ, प्लीज डोंट वरी। Whatever. Okay. आफरीन बच्चे, ये तुम्हारी बहू ना मेरा फोन उठा रही है, ना SMS का जवाब दे रही है। ये लड़की खुश भी है शादी से या नहीं? बोलो। हाँ हाँ मैं, वो बहुत खुश है, हिचकिचा रही होगी। हिचकिचा? कौन से जमाने की बात कर रहे हो तुम? आई सुए आजकल भी हो इस तरह की लड़की? मम्मी है ही ऐसी ना, अकेले रही है शुरू से, शायद इसलिए है ना। तुम बताओ ना। हाँ वो मैं देखती हूँ जरा, चाय के साथ पकौड़े बनाए या नहीं, बहुत अच्छा मौसम है। ये तुम्हारी बीवी ठीक चल रही है उसके साथ? हाँ मैं, हाँ आफरीन को तो बहुत पसंद है वो। क्या बात कर रहे हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आफरीन को, आई स्वयं आधी नफ्सियाती है। तुम और शाहनवाज क्या बात है? मुझे कोई नमाज पढ़ते हुए ना शो ऑफ करने का शौक नहीं। अच्छा पढ़ती हूँ मैं नमाज। आना से आज तुम्हारे चेहरे का रंग भी कुछ उड़ा उड़ा सा है, सब खैरियत तो है ना? चेहरे का रंग क्या हुआ है मेरे चेहरे को? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि अम्मा क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस वो अरीज से मिलने के लिए बेचैन है। और वो आ रही है? शायद। शायद मतलब? अरे भाई तुमने तो कहा था फहद को बात करने के लिए, अभी तक उसने बताया नहीं कि वो आएगी या नहीं आएगी। तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, तुम यही चाह रही थी ना? चाह तो रही थी ये, मगर मुझे क्या पता था कि अम्मा आ जाएंगी। हाँ देख लो, अगर अरीज नहीं आई तो अम्मी को भी तुम ही जवाब दो। ये हर बात मेरे ऊपर घूम फिर के क्यों आ जाती है? मैं क्यों जवाब दूंगी? हाँ क्यों जवाब दूंगी मैं? मैं नहीं दूंगी जवाब। मैं नहीं दूंगा। मैं भी दूंगी। अरे कहाँ रह गई है ये लड़की, आई क्यों नहीं अब तक? Did you see, I am just dying to meet her. ठीक से कहा तो था उसे? दादी कब से तो फोन कर रहा हूँ, उठाएगी तो कहूंगा ना। पता नहीं उसको आना भी है या नहीं। फोन क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कहते रहे? क्यों क्यों वो क्यों जाएगा लेने के लिए? वैसे भी वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती है, तो जैसे आएगी वैसे ही जाएगी ना, फिर ये जाए छोड़ने के लिए, फिर लेने के लिए जाए, कोई तरीका है? कोई जरूरत नहीं है, है ना? नहीं है ना जरूरत? जी। भाई मेरी तो समझ में नहीं आए हो तुम लोग। मुझे भी समझ में नहीं, मगर आ जाएगी। आ गई। हेलो माय गर्ल, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बहुत इंतजार करवाया भी तुमने। आंटी आई एम सो सॉरी, दरअसल वो टायर की हवा कम हो गई थी तो वो ठीक करवानी। देखा
देखा मैं कह रही थी तुम्हें, लेने जाओ उसे। मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग बातें करें। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मुझे भी। तुम दोनों अपनी शिकायतें बाद में करना, इस तक तुम जरा मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी प्राइवेट बातें करनी है। प्राइवेट बातें? कौन सी प्राइवेट बातें? तुम्हें पता हो, तुम बताओ कौन सी प्राइवेट बातें हैं। तुमने अपनी दादी को कुछ सिखाया है ना? बोलो कुछ बताए, आप बताए। आपकी माँ ने मुझसे तो कभी कोई प्राइवेट बात नहीं की, ये उससे कैसे प्राइवेट बात करी? नहीं मैं क्यों ले जाऊँ? तुम लेकर आओ सारी प्लेटें और टेबल पर लगाओ, यहाँ तुम्हारे अब्बू के नौकर नहीं है। और आप आइए मेरे साथ, जल्दी लेकर आओ। अब ये दोनों कहाँ रह गई है? सनी भाई एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, और अगर उसने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो तुम्हारा क्या होगा कानिया? तो अम्मी जी हैरान रह जाएंगी कि हम इतने कंजर्वेटिव कब से हो। हम नहीं तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। ओके यू टू बॉयज बी क्वाइट, देखते चले चले। अच्छा इधर आओ, जब तक मैं यहाँ हूँ हम बहुत सारी बातें करेंगे, और मैं तुम्हें और भी बहुत से मजे के किस्से सुनाऊंगी। कौन सी बातें बता रही हैं अम्मी? तुम्हारी शादी याद आ गई थी बेटा, और फिर इतनी मजे की बातें याद आई कि कुछ न पूछो। अम्मा आपके लिए निहारी बनाई है, दाल भी है, खाओगी? अम्मा जी hey. I swear you didn't have to bring that. मैं खुद ले लेती बेटा। अरे शर्मिंदा मत करे अम्मा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। Swear. I'm just loving being here. क्या हो गया अम्मा, तबीयत तो ठीक है आपकी? जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे रह रह के तुम्हारी और शहबाज की शादी याद आ रही है। तुम्हें याद है जब पहली बार शहबाज तुम्हें मुझसे मिलवाने लाया था इस घर में? हाँ, तुम कितना शर्मा रही थी। और खैर से बस वो 15 मिनट ही शर्माई होगी तुमसे, उसके बाद जो तुम्हारी कहानियां शुरू हुई थी ना। बहुत पुरानी बात है अम्मा, अब याद करके क्या फायदा। तो पुरानी तो है लेकिन अब भी अगर याद आती है तो सीरियसली आई स्वेयर मेरी हंसी टूट जाती। हरीज आपसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, उसने क्या कहना था, मैं उसे सारे पुराने किस्से सुना रही थी। क्या मेरी शादी के किस्से सुना रही थी? तुम्हें याद है जब शहबाज तुम्हें पहली बार शॉपिंग के लिए लेकर गया था? लगता है अम्मी ने तुम्हारा फ्यूज उड़ा दिया। उनको ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है? अरे वो अरीज को सारी बातें बता रही हैं। सारी बातें? हमारी शादी की बातें। सब में क्या बुराई है? क्या बुराई है? आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि हमारी होने वाली बहू को हमारी शादी के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा? ऑकवर्ड लगने वाली क्या बात है, उसे पता चलेगा कि उसका ससुर कितना रोमांटिक आदमी था। बड़ा रोमांटिक है ये। अम्मा जी को अभी आने की क्या जरूरत थी? देखो ये उनका घर है, वो जब चाहेंगे आएंगे, और उन्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं कुछ कह भी नहीं रही, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है ना वो ठीक नहीं है। कल को अरीज की हमारे घर में शादी हो जाएगी, तुम सोचो वो मुझे ताने देगी इन सब बातों के बारे में। ओह माय गॉड कितना बुरा लगेगा। ये तुम्हारा, तुम्हारी बहू का और तुम्हारी सास का मसला है, मुझे इन चीजों से दूर रखो प्लीज। तो मैं किससे बात करूँ? किससे बात करूँ मैं? क्या कहाँ जा रही हूँ? ये रखने जा रही हूँ, गुस्से में लेकर आई हूँ हाथ में, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या करूँ। रेली और तुम्हारे बाबा ने
तुम्हारी सौतेली माँ से कभी तुम्हारी दोस्ती करवाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं नहीं, कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो जरा वेस्टर्न मिजाज की है, वही पली बड़ी है ना, तो उन्हें रिश्तों की उस तरह कदर नहीं है जिस तरह हम लोगों को होती है। फिर मैं पाकिस्तान आ गई, यहाँ रहने लग गई, मैंने डिसाइड किया कि शादी करूंगी तो पाकिस्तानी से। So sweet. Hold on. You're driving कर रही हैं आप? Uh-huh. Thank you. I've been driving since I was 16. तुम तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे तब. Really? उस जमाने से? अच्छी, उस जमाने में मुश्किल नहीं होती थी, मतलब आपको इजाजत मिल जाती थी? इजाजत तो किसी जमाने में भी नहीं मिलती बेटा, इजाजतें तो लेनी पड़ती हैं। मैंने भी बहुत जद्दोजहद की, लेकिन अगर घर का आदमी औरत के साथ हो तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। सो मैं जो भी कुछ हूँ इसके दादा की वजह से, और इसी तरह तुम शहबाज और आफरीन को देख लो, शहबाज और आफरीन आपस में सब कुछ इकट्ठे तय करते हैं, तो आफरीन जो चाहे जिंदगी में कर सकती है, वरना घर में बैठी डरी सहमी औरत होती वो भी। आई थिंक शहबाज अंकल भी आपकी तरबियत की वजह से ऐसे, वरना शायद वो भी क्लोज माइंडेड होते। शायद ये भी तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि तेरी औरत ही घर बनाती है और औरत ही घर बिगाड़ती है। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी औरत नहीं आने वाली। मैं भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैंने कभी आफरीन को किसी बात से नहीं रोका, और तुम देख लेना आफरीन भी तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेगी। सीरियसली बहुत प्यार करेगी तुम्हें, आई स्वेयर, सर आंखों पे बिठा के रखेगी। वैसे दादी जाता रहे, मैं तुम दोनों को शॉपिंग के लिए लेके जा रही हूँ। शॉपिंग? यस, शादी की शॉपिंग, स्पॉन्सर्ड बाय मी। थैंक यू दादी। यस, एंड आई लव यू बोथ, आई स्वेयर आई लव यू, आई लव बोथ ऑफ यू सो मच, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। थक गए भाई, बहुत थक गए, सीरियसली मगर बहुत मजा आया, बस सो मच फन। तुम लोग कितने मजे के हो, तुम्हारे साथ मैंने बहुत एंजॉय किया बच्चों, सो हैप्पी, सो हैप्पी। आफरीन मेरे बच्चे, देखो तो हम क्या लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आइए आपको शॉपिंग पे लेके। जी गाड़ी लेके। मगर तुम्हारी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो गई थी। हाँ ना, शॉपिंग की यही तो बात है कि हमेशा ऑलमोस्ट होती है। तुम इधर आओ, कम सिट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हम क्या क्या लाए। शादी का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा लेकर आई हूँ दुल्हन के लिए। मगर वलीमे और शादी के जोड़े तो मैं लेकर आ गई थी इन लोगों के लिए। हाँ ना भाई, जो जोड़े तुम लाई हो वो मेरी बहू पहनेगी, और जो मैं लाई हूँ वो तुम्हारी बहू पहनेगी। हाउ इज दैट? मैं जल्दी से बाथरूम से। पर दादी आपकी चॉइस आज भी मॉडर्न है। सीरियसली थैंक यू, तो मामा को दिखाओ, मैं जल्दी से आ रही हूँ वॉशरूम से। ओके ओके, सब कुछ दिखाना। तुम मुझसे पूछ के तो जा सकते थे ना। अभी वो दादी ने अचानक ही पूछ लिया, और उन्होंने खुद हमें गाड़ी में ही बताया। आंटी बात सही कह रहे हैं, उन्होंने बस बताई। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं अपने बेटे से बात कर रही। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी मैं तो खुद, मैं तो क्या, तुम्हें तो सिर्फ अटेंशन चाहिए। बार बार मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इस घर में आती रहती हो सिर्फ अटेंशन के लिए, है ना? अम्मी वो, तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, बीच में मत बोलो। अम्मी आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं। मैं इंसल्ट कर रही? और जो वो मेरी इंसल्ट कर रही वो तुम्हें नजर नहीं आ रही? उसने क्या कहा? सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए यही बहुत है कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये बार बार यहाँ आती है, दादी के साथ शॉपिंग करती फिर रही है। ये कोई तरीका है? ये तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती है। पहली नजर में मैं समझ गई बहुत डोमिनेटिंग औरत है, लेकिन दीदी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये मेरा घर है और ये मेरा बेटा है, तुम इसको मुझसे दूर नहीं कर सकती, समझ आई? अम्मी आप फजूल में छोटी सी बात का इशू बना रही। वाओ, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, अब क्यों जा रही हो, बैठो, मैं नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ तुम्हारे लिए, खाना लगवाती हूँ, जा रही हूँ। लुक एट हर एटीट्यूड, ये तरीका होता है सास से बात करने का? है कोई तरीका? ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने अच्छा नहीं किया?
अब तुम अपनी माँ को सिखाओगे कि उसे कैसे करना चाहिए? I just can't believe this, honey. बाहर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम किस तरह मुझसे बात करते हो? ये आजकल के बच्चे समझते क्या अपने आप? इनकी दादी क्या आ गई, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। कितने प्यार से मैं एक एक जोड़ा पागलों की तरह सड़ी हुई गर्मी में जाके खरीद के लाई, मगर क्या हुआ, फेंक दिया। और ये कचरा खा के ले आए, ये पहनेंगी क्योंकि उनकी दादी लेकर आई। और जो मैंने मेहनत की, जो मैं मतलब मैं कुछ हुई नहीं। ये लड़की तो पता नहीं इस घर में आके क्या करेगी, बेच के खा जाएगी सबको। मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा, शक्ल से ही खड़ूस लगती है। मैंने भी सोच लिया, अब शादी से पहले तो क्या उस औरत के घर में, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी। Come on, ऐसे नहीं कहते। What the hell, बुशरा? अभी शादी हुई भी नहीं है और वो इतनी बातें सुना रही है मुझे। जब शादी हो जाएगी तो मेरा क्या हाल करेंगी? इरोट तुमसे ही कहती थी, सास कभी भी माँ नहीं होती है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। What? No? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। No, Reed, come on. पापा, मैंने शादी नहीं करनी है, मैं वापस आ रही हूँ लंदन। मैंने नहीं करनी है शादी, प्लीज मुझे वापस बुला ले। पापा कहाँ है? मैंने उनसे बात करनी है। मैं तुमसे इसलिए कुछ नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। जो कुछ तुमने मुझे पापा समझ के कहा है, मैं तुमसे एक बात कहूंगी रज, फहद को कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने तो मुझे अपनी माँ कभी कबूल नहीं किया, तो तुम फहद की जगह किसी और को कबूल कर सकती हो? तुम अगर यहाँ आना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम, तुम्हारा अपना घर है। लेकिन ना ही तुमसे यहाँ का वेस्टर्न कल्चर हजम होगा और ना ही यहाँ के लोग। जो प्यार तुम चाहती हो वो तुम्हें उसी फैमिली में मिलेगा। क्या हुआ? कम ऑन अरीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ कम ऑन, यू आर माय बेस्टेस्ट सिस्टर। कॉफी बनाओ, आती भी नहीं मुझे। फहद जी। दादी। फादी, कैन आई कम इन? क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब। अच्छा, अरीज कहाँ है बेटा? मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। अभी तो मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। आई स्वेयर, अभी तो आए हैं बाजार से, मुझे वो बहुत प्यारी लगी है भाई। आई हैव टू सिट एंड टॉक टू हर। हाँ, वो दादी को कोई काम था, वो चली गई। व्हाट? आई स्वेयर, कहाँ चली गई बेटा? ये क्या बात हुई, कहाँ गई है? पता नहीं दादी, उसने बताया नहीं। रुक जाओ, मैं उसे फोन करती हूँ। रुक जाओ। नहीं दादी, प्लीज। क्यों?
आफरीन फादी बाहर ले जाओ, गाड़ी में रख। बैग? हाँ बस वापस जा रही। क्यों आप वापस जा रही? मगर क्यों? अरे थोड़े दिन के लिए आई थी, बस वापस जा रही हूँ। क्यों क्या? लेकिन आप तो फहद की शादी के लिए ही आई थी ना? हाँ इरादा तो यही था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फहद की शादी होने वाली। किसने कह दिया मैं आपसे कि फहद की शादी नहीं होनी? किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अरीज जैसी अच्छी लड़की को इस घर में नहीं आना चाहिए। आई स्वयं। अम्मी आपको जो भी बात करनी है ना डायरेक्टली मुझसे करें, ये इनसे इनडायरेक्टली आप क्यों बातें कर रही है मेरे साथ? मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूं या इनडायरेक्ट बात करूं आफरीन, मेरे बच्चे तुम पर कोई असर होने नहीं वाला, तुम नहीं बदलोगी। अम्मी आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मैं बेटे की शादी करने जा रही हूँ? आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। क्या फहद से मिलती है, उससे बात करती है, वो दोनों जानते हैं पहले से एक दूसरे को, ये गलत है। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम नहीं जानती थी शहबाज को शादी से पहले? उस जमाने की बात और थी, आज के जमाने की बात और है। लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखो बीबी, हर जमाने के लोग अपने जमाने के हिसाब से होशियार हुआ करते हैं। सोचो अगर शादी से पहले मैं तुम पर और शहबाज पर इस तरह की कोई पाबंदियां लगाती तो मैं आपकी बात सुन लेती। अब तुम कह सकती हो क्योंकि मैंने तो तुम पर कभी कोई ऐसी पाबंदियां लगाई ही नहीं। वाह, सिर्फ ये याद रखो कि इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आई स्वेयर। फहद की शक्ल देखी है तुमने? अपने बेटे की आंखों में झांक कर देखा है तुमने? मैं तो उस दिन को कोस रही हूं जब मैं यहां आई। सीरियसली आई स्वेयर, मुझे लग रहा है ये सब मेरी वजह से। अम्मी आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बस दिमाग का खलल है। कुछ भी हो अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाली। मैंने टिकट करा ली है, मुझे छोड़कर आओ एयरपोर्ट या मैं कैब कॉल करूँ। अरे आप बैठे तो सही, बात तो सुने। एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी मैं, अब एक मिनट यहाँ रुक के तुमसे रिश्तों की ट्रेनिंग लूंगी मैं। रिश्तों की कदर उन लोगों से पूछो जो मीलों दूर कोसों दूर बैठे हैं, जिनके पास कोई रिश्ता नहीं है उनसे पूछो रिश्तों की कदर। चलो शहबाज। अम्मा चली गई? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, अम्मा चली गई? जाहिर ही बात है, किसी की सुनती है वो। तो मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं तुम पे क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? हाँ मुझे तो तुमसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए ना, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ मैंने क्या किया है? तुमने अपनी अम्मी को देखा था वो क्या कर रही थी? नहीं मैंने नहीं देखा कि अम्मी ने क्या किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि उन्होंने उस वक्त क्या किया था तुम्हारे साथ जब तुम नई नई शादी होकर इस घर में आई थी। मेरी बात सुनो, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसे शादी से पहले ही रोब में रखना चाहती थी कि इस घर से मिलने वाली किसी भी चीज को वो फॉर ग्रांटेड ना ले, उसे पता लगे कि ये घर तुमने कितनी मेहनत से बनाया है। एक एक चीज घर की तुमने खुद खरीदी है जो कि बिल्कुल बकवास है, वो भी किसी छोटे घर से नहीं है। और तुम क्या समझती हो आजकल की लड़कियों से अगर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी है तो वो हमारे बेटे को हमसे अलग नहीं कर सकती थी? वो फहद से ये भी तो कह सकती थी कि जिस घर में वो अकेली रहती है शादी के बाद फहद उसके साथ उस घर में रहे, मगर उसने ऐसा नहीं किया, वो हमारे साथ रहना चाहती है, फैमिली के साथ। मगर इन वैल्यूज को तुम क्यों समझोगे? क्या हुआ है फहद? हरीश ने शादी से मना कर दिया। क्या? उसने फोन पर कहा है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही है, वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। तुम अभी चलो मेरे साथ उसके घर, चलो चलो आफी। ओ, तुम क्यों जाओ? तुम तो यहां बैठ के अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करो, है ना? चलो फाह तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा डैड,
उसका फेस नहीं देख सकता। ठीक है तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतनी बुरी लगती थी वो आपको? अगर ऐसा ही सब कुछ था तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं, क्यों होने दी मंगनी? क्योंकि फहद मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती ना। फिर ये सब क्यों? क्योंकि वो मैं। क्योंकि वो क्या? क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर लेके जाना चाहती। ऐसा कब कहा उसने? उसने कहा नहीं था लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी फहद। और तुम मेरे एक ही बेटे हो फहद, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँ। अम्मी मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, सोच भी नहीं सकता कि आपको छोड़कर कहीं जाऊँ। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की मुझको आपसे शादी के बाद दूर कर देगी तो आप मुझे यकीन करें मैं शादी ही नहीं करूँगा। अंकल प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। बेटा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपने सेंसेस में तो हो, तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो मान लेते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आफरीन को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर क्या फहद को भी फर्क नहीं पड़ेगा? वो समझ जाएगा। और उसे समझाएगा कौन? फहद। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम? जी मैंने फैसला कर लिया और मैं फैसला नहीं बदलूंगी। तुमने ये भी नहीं पूछा कि फहद कहाँ है? उसे हिम्मत नहीं होनी थी यहाँ आने की। मुझ में भी हिम्मत नहीं है उससे मिलने की। जवाब की अंगूठी थी जो अब नहीं पहन सकती। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ करके फहद से दूर कर लो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? चाहती थी तो चाह रही थी कि मुझे भी माँ और बाप का घर मिले। मेरे पेरेंट्स हर वक्त बिजी होते थे, कब नहीं रहते थे, इसलिए मैं यहाँ आई। चाहती थी कि जो मेरे बच्चे वो इस प्यार से महरूम न हो से दूर थी। तो मेरी बात नहीं सुनती बावजूद आज चलती रही ना कि आप इतनी इनसिक्योर है। फाद हमेशा आप बेटा और हमेशा आप ही बेटा रहे, इस बात को कोई नहीं बदलता। मुझे समझ में नहीं आता लड़कियां अपने शौहर को हर वक्त कंट्रोल में क्यों रहती हैं। और तुमने भी बिल्कुल ऐसा किया है ना, तुमने मतलब
तो चली गई थी वो। हाँ अरे फिर मैंने सोच के एक बार यानी तुम्हारी शादी शहबाज के साथ करके अपने बेटे खो दिया है। हर को गलत तरफ क्यों लेके जाते दिनों की बात और वो लोग आए सो तेरा फ्री क्या फर्क तब माहौल था कैसा था माहौल करते थे इससे कहीं ज्यादा करते हर वक्त तुम मासूम बच्ची को रोक रही हो टोक लगा रही हो इस पे ये आजकल के दौर की पढ़ी लिखी बच्ची है फैमिली वैल्यूज को जानती है सबके साथ मिलके रहना चाहती है तुम्हें अलग नहीं करना चाहती है तुम्हारे बेटे से। देखिए अम्मा बात ये नहीं आप गलत समझ रहे हैं मैं ये मंगनी तोड़ना चाहती ही नहीं हूँ। मंगनी तोड़ना नहीं चाहती हूँ पर जो कुछ तुम कर रही थी ना आई स्वेयर उसके बाद जो इसने किया है वो बिल्कुल ठीक। अम्मा मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी जरा सी पाबंदी पर ये मंगनी खत्म करने पे तुल जाएगी। Oh my God, Afreen, I swear, इतनी सी बात? What are you saying? नहीं अम्मा आप खुद बताइए इसका क्या हक था कि ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे पूछती। आप मेरी सास है भाई आप इसको क्यों बताएंगी कि शादी से पहले मैं क्या करती थी मैं कितनी दफा अपने शौहर से मिलती थी और नहीं मिलती थी और मंगनी के वक्त क्या क्या ड्रामे हुए थे मतलब इसको इसको जानने की क्या जरूरत है बताए मुझे सच बताए आप। नो यू जस्ट क्वाइट कीप क्वाइट अम्मा बताए बोला था ना इसे आई स्वेयर मैं भूल गई थी बेटा मैं बिल्कुल भूल गई थी ये बात तुमने मुझे याद करा दिया है मम्मी बेटी तो अरे सारा वक्त हमारे घर में आके बैठी रहती आधी आधी रात तक नहीं निकलती थी कैसे मेरा बच्चा तुम्हें जबरदस्ती घर छोड़ने जाता था पर मैंने कभी मना तो नहीं किया मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा था और तुम सर तुम इस बात पे इस बच्चे से नाराज हो I don't believe that Afreen अब जब तुमने याद कराया है ना Abhi, now I'm going to tell her. Amma, now no. I am going to tell her. Please. I am going to tell her. Amma, stop. Amma, no. तुम इधर आओ. उधर जाने की जरूरत नहीं. तुम इधर आओ. तुम्हें मैं एक बहुत मजे की बात बताने वाली हूँ. नहीं, बात. इधर आओ तुम. Amma, तो you need to apologize to her. Amma, then you need to apologize. लोगों की बातों में आ गई थी क्यों आ गई थी क्यों आ गई थी लोगों का तो काम है बकवास करना सिर्फ इस एक जुमले के पीछे के लोग क्या कहेंगे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं कितने घर तबाह हो जाते हैं कैसी कैसी टैलेंटेड लड़कियां घरों में कैद होके रह जाती हैं खुदा के वास्ते तो औरत हो औरत की तकलीफ समझो प्लीज आफरीन आई स्वेयर डोंट लेट दैट हैपन
ये मत होने दो, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। अब मेरे पास हाथ का क्या होगा? उसका क्या होना है, बाहर खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा है। फहद, फहद इधर आ, मेरा बच्चा आ गया। चलो इधर आओ, पकड़ो। एक मिनट देखो, तुम्हें अभी भी अगर नहीं पहननी ना, मैं पहन लेती हूँ। वाह, जल्दी पहनाओ। और इसके फौरन बाद तुम काजी को बुलाओ, अभी इसी वक्त यहाँ पे निकाह होगा मेरी आंखों के सामने, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी आफीन, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अम्मा